परी? जोया। तू यहाँ कैसे? क्यों? तूने सुलेमानी टोपी पहन रखी है जो हम तुझे ढूंढ नहीं सकते। चला लिया मैंने पता। कैसे? सुन, किसी को पता तो नहीं है हमारे घर का? फिक्र नहीं कर, जिस जिस से तू छुपा रही है उसे उसको नहीं पता। कितना प्यारा घर है तेरा जोया। चाय बना के लाऊं तेरे लिए? वही चाय भाई, आके बैठना मेरे साथ। तुझसे मिलने आई हूँ। कैसी है? ठीक हूँ बस, खाला और नानी की हालत देखी नहीं जाती मुझसे। तुझे जरा तरस नहीं आता उनका? परी मैं तुझे किस तरह समझाऊं किन हालात में मैंने और हमजा ने ये कदम उठाया है? अलग रहना कोई गलत बात नहीं, हर लड़की की तमन्ना होती है उसकी अपनी घर गृहस्थी है। लेकिन ये क्या तरीका हुआ? बिना बताए भाग गए और अब सबसे छुपते फिर रहे। साथ देनी पड़ेगी तेरी हिम्मत की जोया। परी मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा इतनी हिम्मत मैंने घर कैसे ली। दरअसल मुझे लग रहा था जैसे अम्मी मेरे और हमजा के रिश्ते के दरमियान आ रही हैं। फरी मैं डर गई थी, मैं डर गई थी जैसे अम्मी नानी और खाला के घर नहीं बस सके शायद मेरा भी। पागल हो गई है जोया, कोई माँ अपनी बेटी का घर क्यों उजाड़ेगी? सही कह रही है तू, पागल हो गई थी मैं। थोड़ा इंतजार ही कर लेती, सच जाने की जहमत भी ना की। और सच सामने आया भी उस वक्त जब बहुत देर हो चुकी थी। कोई देर वेर नहीं हुई, तेरे अपने हैं वो, वापस चली जा। थोड़ा डांटेंगे नाराज होंगे फिर मान जाएंगे। नहीं जा सकती ना, हमजा को घर से निकलने पे मैंने उकसाया था, अब कैसे उसे कहूं कि वापस जाना है? इतने ताने मारेगा मुझे वो। लगता है हमजा आ गया, अब देखना तुम्हें यहाँ पाके मुझ पे शक करेगा कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। कुछ नहीं करेगा, बताऊंगी ना उसको उसके चमचे को लाई हूँ साथ। तू दरवाजा खोल। हमजा भी घर नहीं आया। मैं जानता हूं, मैं तुमसे बात करने आया अपनी बेटी से। मैं जानता हूं तुम अपने और मेरे रिश्ते से वाकिफ हो। वाकिफ होना अलग बात है और इस रिश्ते को दिल से मानना दूसरी बात। मुझे ऐसा कोई हक नहीं है कि मैं जबरदस्ती तुमसे ये बात मनवाऊं। मैंने अपने सारे हक खो दिए। तुम अब क्या कहने आए हैं? मैं तुमसे कुछ मांगने के लिए आया हूं, अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए और शीरी के लिए भी। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी और अम्मी के हवाले से तो बिल्कुल भी नहीं। आप मेहरबानी करके यहाँ से चले जाएं, हमजा आने वाला होगा और मैं नहीं चाहती कि उसे इस बारे में कुछ भी इल्म हो। मैं भी नहीं चाहता कि वो जाने, वो मेरी बहुत इज्जत करता है, लेकिन एक बाप होने की हैसियत से मेरा किरदार इतना शर्मनाक हो चुका है कि शायद मैं अपनी इज्जत खो दूं। मैं चला जाऊंगा लेकिन एक बात कहने के बाद, जो है मैंने तुम्हारी माँ को छोड़कर बहुत गलत किया और तुमने उसे छोड़कर और भी गलत किया, वो इसका जिम्मेदार मुझे समझती। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि शीरे के ये गलत फहमी और मुझ पर लगाया इल्जाम मैं दूर करूं। मैं तो चाहता हूं कि तुम उसके पास चली जाओ। वो दिल की बुरी नहीं है, तुम में तो उसकी जान है। वो दिल की बुरी नहीं है, ये आपको तब याद नहीं आया जब आपने उन्हें छोड़ा? शायद हम में वो मोहब्बत नहीं थी जो बिछड़ने के बाद एक दूसरे को तड़पाती है। उसने भी जी लिया, मैंने भी जी लिया, वक्त गुजर गया। तुम उसके पास चली जाओ जोया, वो तुम्हारे बगैर जी नहीं पाएगी।
लल्लू जी। औलाद से बिछड़ के जीना क्या होता है, मैं इस दुख से अच्छी तरह वाकिफ हूं। मुझे अंदाजा है वो किस हाल में होगी। चली जाओ जो है, प्लीज। हमजा को बताया तूने? बता देना चाहिए ना। हमजा को पता नहीं चलना चाहिए, कभी भी नहीं। देखना एक दिन तो पता चलना ही है ना। कैसे छुपेगी ये बात? जब तक छुपा सकी छुपाऊंगी, नहीं बताऊंगी हमजा को। रुक जाती फरी, फिर आऊंगी। अभी शाम हो गई है ना, निकलती हूँ। जोया को मेरे घर लेके आना ना हमजा, मुझसे क्या नाराजगी। जरूर आएंगे, ख्याल रखना। कसम से मैंने नहीं बुलाया उसे, ना एड्रेस बताया था, वो खुद ही आई है। क्या बात बताने को कह रही थी मुझे? कौन सी बात? कुछ भी नहीं। मैंने खुद सुना जो है, उसने कुछ बताया तुम्हें शायद, और वो चाहती थी कि तुम मुझे बताओ, और तुम इनकार कर रही थी कि हरगिज नहीं बताओगी। क्या छुपा रही हो मुझसे जो है? वो अच्छा, हाँ वो मैंने फरी से वादा किया था कि सलमान की शादी पे हम दोनों एक जैसे कपड़े पहनेंगी, तो वही वादा याद दिलाने आई थी फरी। तो मैंने उसे कह दिया कि अब तो हमारा आना मुश्किल होगा शादी पर, तो वो कह रही थी कि मैं वादे के बारे में तुम्हें बता दूँ। मैंने साफ इनकार कर दिया कि जब जाना ही नहीं है शादी पर तो बताने का क्या फायदा। ये बात है? हाँ हाँ यही बात है, और क्या हो सकता है। चाय बना के लाऊं? क्या हुआ चाचू, आप रो क्यों रहे? चाचू प्लीज आप रोना बंद करें, मेरा दिल घबरा। क्या हुआ, क्या है? दादा क्या हुआ है दादाजी को? किस हॉस्पिटल में? चाचू आप रुके, आप प्लीज रोना बंद करें, मैं अभी आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं मैं। ये बात छुपाना चाह रही थी तुमसे हमसा वो मैं। ये बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई कैसे जोया? मुझे लगा कि क्यों, किस लिए जोया? लफ्ज़ मत बोलना चाहिए, क्योंकि वजह तो मैं जानता हूँ। तुम्हारे मुंह से सुनूंगा तो और दुख होगा मुझे। कभी ये तसल्ली तो है कि शायद मैं गलत सोच रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो हमजा? वहीं जा जाने से तुम मुझे रोकना चाहती हो। मेरा खून अभी सफेद नहीं हुआ, तुम्हारी तो जैसे इंसानियत ही मर गई। तुम नहीं आना चाहती ना, मैं जा रहा हूँ, दादाजी को जरूरत है मेरी। दादाजी क्या हुआ है दादाजी को? हमजा रुको तो। बोले हमसे
जिद लगा के बैठे हुए, हालत देखो इनकी। अब तुम आगे हो नहीं, अस्पताल लेके जाओ हमजा खुदा के लिए। अब मैं जाऊं? ओ यार तू जा, खुदा दवा। ठीक हो दादाजी, जाना नहीं तो।